दतिया में कृषि विज्ञान केंद्र उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसारण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दतिया कलेक्टर संजय कुमार ने पहुंचकर मां सरस्वती को माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्र के किसान एवं कृषि विभाग के सभी अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं जिला उद्यान अधिकारी सर्वेश तिवारी मुख्य रूप से कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में राज्य मंत्री उद्यान की और खाद्य उद्यानिकी खाद्य प्रसारण स्वतंत्र प्रभार नर्मदा घाटी विकास मध्य प्रदेश शासन राज्य मंत्री भरत सिंह कुशवाहा कार्यक्रम में लाइव प्रसारण में रहे एवं इसके बाद मुख्य अतिथि दतिया कलेक्टर संजय कुमार ने सभी के समक्ष अपने उद्बोधन में कहा कि कृषि विभाग उद्यान के अधिकारियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जो नई नई विधाएं अनुसंधान की नई नई गतिविधियां दी जाती हैं, इससे किसान की फसलों को काफी फायदा होता है। मैं आगे कोशिश करूंगा कि इस कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से नई नई सुविधाएं और जानकारियां दी जाएं, जिससे किसान को काफी फायदा मिले। पहले किसान यूरिया को नहीं जानते थे, जब यूरिया का उन्होंने फायदा देखा कि फसल अच्छी होती है, तो आज यूरिया की कितनी कीमत है यह आपको देखने को मिलती होगी। मैं आगे किसान भाइयों से यही कहना चाहूंगा कि कृषि विज्ञान केंद्र में आकर नई नई उपलब्धियां सीखें और अपनी फसल को उपजाऊ बनाएं, जिससे आपको फायदा मिले। ये सब जो लोग हैं जिसमें प्रगतिशीलता है, रूढ़ी को छोड़ कर करके नए प्रयोग को अपनाने का, ये इसके लिए करेज की जरूरत होती है थोड़ी सी, क्योंकि आप जो कर रहे हो करने में कंफर्ट होता है, इसको कहते हैं कंफर्ट बॉक्स। जो कर रहे हैं, जो परंपरा है, आमतौर से वैसा चल लेते हैं। परंपरा को छोड़ करके नए रास्ते को चुनना, ये करेज रहता है, इसमें हिम्मत रहती है, रिस्क रहता है। तो उसको आप लोग ले रहे हैं इस अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।